दुकान में होगा ना। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे 2009 से लेकर 2021 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसका पार्ट वन हम डाल दिए हैं और इसका ये पार्ट टू है। कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन आपका बनता था डिफरेंशिएशन का, तो जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर लिए हैं और बचे हुए अब जो आपका 40 क्वेश्चन है, लगभग 40 क्वेश्चन जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि बड़ा हो जाए, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी साधारण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको कठिन क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन टेक्निकली क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपका होगा। और ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम के जब लेवल का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इससे आपके आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है, ठीक है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर रेड कलर में सब्सक्राइब वाला बटन है, उधर भी ये दबा लीजिए आप ना, जल्दी से दबा लीजिए। और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर दबाइएगा, घंटी वाला बटन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है। और एगो पी बजा के नोटिफिकेशन बजा दिया है, आप लोग भी बजा दीजिए जल्दी से। नहीं, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सवाल सबसे पहला आपके सामने है, देखिएगा सवाल क्या कहता है कि यदि y बराबर tan इनवर्स रूट x तो dy बटा dx का मान क्या होगा। शायद इसे माइनस dy बटा dx लिखा हुआ है, यहाँ y बराबर है tan इनवर्स रूट x, तो माइनस dy बटा dx का मान शायद इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि dy बटा dx ही होना चाहिए। नहीं, तो चेक करने में क्या जाता है, tan इनवर्स है ना, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है 1 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर रूट एक्स है तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो इधर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया, बच गया कितना, रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अज्यों का त्यों, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 ज्यों का त्यों, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा, नहीं तो हो जाएगा 1/2 इंटू रूट एक्स इंटू हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ध्यान से देखिएगा, 2 रूट एक्स ज्यों का त्यों, 1 का 1 और यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना हो जाएगा एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। बहुत साधारण क्वेश्चन है, बस आसानी से बना, हम का जो लेंगे बुलेट और ऐसे हम भी जोर से बजा देंगे, समझ लेंगे, हाँ इतना जोर से आवाज करता है बुलेट हो, तभी ना गाना उना बज जाता है बुलेट पर केना दोनी फोटो खिंचाएं, हैं फोटो खिंचाएं बुलेट पर जीजा कहता, बुलेट पे पर फोटो खिंचाएगा, स्प्लेंडर पर नहीं खिंचाएगा, हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए y बराबर है साइन एक्स स्क्वायर, हाँ यहां पर स्क्वायर किस में है, तो कोणांक वाले फंक्शन पर स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर किस में लगा हुआ है, कोणांक वाला फंक्शन में स्क्वायर लगा हुआ है। यहां देखिए फंक्शन की पहचान कर लीजिए, एक फंक्शन दो फंक्शन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में नो चेंज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, नहीं अरे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, यानी इसका हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, चेक करो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है।
यह सवाल 2017 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है, और अगला सवाल जो है वो भी आपके 2017 के बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिएगा सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका 2017 के बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है क्या कहता है, एक बार देख लीजिए सभी लोग जल्दी से, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि कॉट मजेदार है, ये तो मजाक हो गया, मजेदार नहीं है, ये तो मजाक हो गया, नहीं कह रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सब जानता है कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नहीं आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं जाइए पानी पी के आइए इतने तब जान जाइएगा। के देखिए कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। आइए अगले सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, सवाल आपके सामने ऊपर दिख रहा है, एक बार आप प्रयास कर लीजिए ना, एक बार हम प्रयास कर लेंगे, और दोनों आदमी मिला के प्रयास प्रयास में क्वेश्चन बन जाएगा कि हाँ कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो तब क्या होगा है, जब कुछ हम बोलेंगे और कुछ तुम बोलोगे तो क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। चलिए देखिए डी लॉग सेक एक्स अपॉलस टेन एक्स। ठीक है, डी लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। देख लीजिए डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, पहले फंक्शन देखिए, वो लॉग है ठीक है, अंदर में फंक्शन है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अच्छा सुनिए, सबसे पहले तो हमको डिफरेंशिएशन करना है लॉग वाला का, तो आपको मालूम है कि लॉग वाला का डिफरेंशिएशन होता है एक बटा में जो भी उसके कोणांक में है सौ, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है एक के बट्टा में लटका दीजिए के करा, तो जो ओकर बगल में है ओकरा लटका दीजिए, किसको एक के बट्टा में लटका दीजिए, नहीं हाँ तो एक के बट्टा में लटका दीजिए सबको, यह नहीं अगर पंजरा में सट्टल है, पंजरा में सट्टल है तो ये लटक जाएगा, तो लटका दीजिए क्या आ जाएगा सेक एक्स अपॉलस में टेन एक्स। ठीक है, अच्छा फिर इंटू का चिन्ह मारिए, आप समझिए ठीक से, सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है ना, ये तो खाली लॉगे वाला का डिफरेंशिएशन हुआ है, और सेक का टेन बच्चल है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स अपॉलस, टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा एक चीज देखिएगा, इसमें भी सेक है इसमें भी सेक है, तो दोनों में से सेक कॉमन ले लेते हैं, सेक एक्स दोनों में से कॉमन ले लिए, तो सेक एक्स इसमें का भी हट गया, नहीं आए में दो गो सेक एक्स था तो एक गो सेक एक्स यहां से हट गया, नहीं तो नीचे में भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ऊपर में भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इस सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ई वाला कट जाएगा, तो कथी बच जाएगा आपका सेक एक्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सेक एक्स के बराबर। और ऐसे ही आपको मालूम है कि सेक एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो जब लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स नहीं आएगा, आपको तो डायरेक्ट मार देना चाहिए, नहीं है डायरेक्ट मार देना चाहिए एकदम धराक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक एक्स के बराबर, कितना हो जाएगा बाबू सेक एक्स के बराबर, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल आपके सामने है एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू एक्स प्लस वाई के पावर फाइव, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू, देखिएगा अगला सवाल आपके सामने में है, दिख रहा है सवाल आपको है, लौकता कि नहीं खे लौकता, देखो उतना अच्छा से भोजपुरी वगैरह नहीं बोलने आता है, लेकिन है कुछ लोग हाँ जो खूब अच्छा से भोजपुरी बोल लेते हैं, और हमरो मन करता है भोजपुरी सीखने का, के कोई है हमको भोजपुरी सिखाने वाला है, और अच्छा लगता है बहुत बहुत प्यारी भाषा है, मतलब बहुत सुनने में मजा आता है, लौकता कि ना है तोहरा के लौकता कि ना नहीं खेल लौकत बड़ा मजा आता है हो। चलिए देखिए
देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है, सवाल है यहां पर डी, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस, कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर। बटा में क्या हो जाएगा dx, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, जबकि आपको मालूम है कि यदि आप सिर्फ इसको देखते हैं तो यहां है tan inverse x प्लस, यहां पर माइनस आ गया अंदर में और यहां पर प्लस होना चाहिए था, कोई बात नहीं है, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए आप, tan inverse रूट अंडर ये हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस, यहां कॉट के अंदर माइनस लगा हुआ है तो बोले हैं कि कॉट इनवर्स के रूप में रहे और माइनस जब अंदर में घुसल रहे तब माइनस को बाहर करने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पाई में से घटाना पड़ेगा किसको, तो फंक्शन को, यानी हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यह हो जाएगा आपका टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अब हो गया टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो जब टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर देखेंगे तो कितना होता है पाई बाई टू के बराबर, तो इतना के जगह हो गया पाई बाई टू और माइनस पाई, तो कुल मिलाकर सब कॉन्स्टेंटे ना है, सब कॉन्स्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका जीरो के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, कहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सवाल आपके सामने में है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने में है, एक बार देखिए और फटाफट से बनाने का प्रयास कर लीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है उसको देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए आप सभी, एक बार दिल से बनाइए क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी बनाइए, दिल से बनाइए। देखिए सवाल आपका क्या कहता है, क्वेश्चन आपका है डी, दो के पावर एक्स बटा में डी तीन के पावर एक्स। ठीक है, दो के पावर एक्स बटा में डी तीन के पावर एक्स, यदि ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए आपसे, ठीक है, सवाल थोड़ा सा यूनिक टाइप का आपको लग रहा है, लेकिन ऐसे सवाल का भी कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं, ऐसे ऐसे सवाल को भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ एक से दो सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, इसके लिए क्या करना होगा आपको, ध्यान से देखिएगा, यदि ऊपर भी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल हो और कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल नीचे भी हो, तो आपको क्या करना है कि दोनों कांस्टेंट के बट्टा में ऊपर नीचे लिख देना है, जैसा है वैसे ही आपको बट्टा में लिख देना है। ठीक है, जैसा है वैसे ही आपको बट्टा में लिख देना है और सबके पावर में एक्स लिख देना है। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, जिस रूप में आपका लिखा हुआ है उसी रूप में उसको लिख देना है और दोनों के पावर में क्या कर देना है, एक ही बार में एक्स लिख देना है। नहीं, अब आइए, इसके बाद आपको लिखना है हमेशा लॉग, हमेशा लॉग, आ तीन नीचा में है तो तीन को नीचा में, आ दो ऊपर में है तो दो को ऊपर में, हो गया आंसर। एक बार और ठीक से देख लीजिएगा, जिस फॉर्मेट में आपका रहेगा उसको उसी फॉर्मेट में उतार देना है बटा के रूप में। ठीक है, एक्स को टोटल के पावर में लिखना है, उसके बाद लिखना है हमेशा लॉग, हमेशा लॉग, और यहां पर नीचा में तीन है तो नीचा में तीन, ऊपर में दो है तो ऊपर में दो, हो गया बात खत्म आंसर। ठीक है, हाँ बस ऐसे ही आपको साधारण सा काम करना है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन को देखिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए, सवाल कहता है कि वाई बराबर लॉग कॉस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर रूट अंडर पाई पर डीवाई बटा डी एक्स का मान क्या होगा। वाह, यानी यहां पर है कि वाई बराबर लॉग लॉग कॉस
एक्स स्क्वायर, पहले यहां देखिएगा लॉग और कॉस एकर, कॉस जो है इसके कोणांक में है, लॉग के कोणांक में कॉस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, और फिर लॉग के कोणांक में कॉस एक्स स्क्वायर है और इसके कोणांक में है एक्स स्क्वायर, ऐसा है। वाई बराबर लॉग कॉस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। अब आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बाद में उसकी बात करेंगे, जो यहां पर लिखा हुआ है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। देखिएगा, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा करते हैं डिफरेंशिएशन ना करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन ना करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, देखिएगा, साधारण काम करते हैं, दिमाग लगाते हैं, जुगाड़, जुगाड़ लगा दें, जुगाड़। हाँ, देखिए क्या होगा, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा कॉस का, तो क्या आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन आएगा ना, और कोणांक वाला ज्यों का त्यों रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अरे आएगा तो बहुत कुछ, लेकिन उसमें कॉस का डिफरेंशिएशन करने से माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और जो कोणांक है वो ज्यों का त्यों भी रहेगा, वो भी रहेगा, बन गया। अब क्या करना है सोचिए, कहता है कि जहां एक्स है ना वहां पर रूट अंडर पाई रख दीजिए, तो जैसे ही यहां पर रूट अंडर पाई रखेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो जितना साइन 0 डिग्री का मान होता है, 0 के बराबर, ले बन गया आंसर, ठीक है। जुगाड़ लगाइए, प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग कीजिए, बोर्ड एग्जाम में सवाल को मतलब एकदम जल्दी से बना दीजिए, ज्यादा टाइम सवाल के पीछे खर्चा नहीं करना है, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीछे देखना है, बना देना है तुरंत, ये सब क्वेश्चन के पीछे ज्यादा टाइम खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। हाँ, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने ऊपर दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन को देखिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग फटाफट से, जितना जल्दी से जल्दी हो सके बनाने का प्रयास कर लीजिए। देखिए सवाल आपका है, डी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब, यही है ना, डी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, ओहो ये तो फॉर्मूला है, 3x माइनस 4x क्यूब है। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है। हाँ, देखो सवाल के रॉयलिटी, या देखा सवाल के क्वालिटी, देख तमाशा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी या मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। देख बाबू, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अब आपको क्या करना है, तो बताइए कि किसका, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको मालूम है इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x। अब जिनको नहीं मालूम है तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है, कि तो उसके लिए क्या उपाय है, हमारे पास एक दवाई है, दवाई ठीक है, वो खिया देंगे ना, जिस दिन सब याद हो जाएगा, चुप, फार्मूला याद करना पड़ेगा, दवाई खा के याद करेगा, दवाई याद करा देगा, जाके फार्मूला याद कीजिए, ठीक ना। हाँ, खाली बैठल बैठल तह पर तह लगा के खाइए नहीं, ठीक है, चौपेत चौपेत का खाली खा रहे हैं, खाने से कुछ होगा, जाइए पहले फॉर्मूला याद कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, चौपेत चौपेत का खाएगा, खाली खाली खाइबे करेगा, देखिए तो 3 साइन इनवर्स x, अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, तो 3 को बाहर रहने दीजिए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा रूट अंडर 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेक करो जल्दी से। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 3 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट आंसर। अगला सवाल जल्दी से बनाइए, साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन का, साइन इनवर्स है ना, हाँ सॉरी साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या होगा, कॉस, एक्चुअली मेरा तबीयत खराब है, सच पूछो तो मेरा तबीयत खराब है, ठीक ना, अभी मैं समझना कोरोना हो गया है, ठंडी का प्रभाव हो गया है, ठीक है, इसलिए चलिए देखिए, साइन का हो गया कॉस, इसके बाद कोणांक में ज्यों का त्यों, फिर कोणांक वाला का डिफरेंशिएशन, तो 1 बटा में 2 रूट एक्स,
यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस रूट एक्स बटा में दो रूट एक्स, कॉस रूट एक्स बटा में दो रूट एक्स, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका कहता है कि टू टैन इनवर्स एक्स, सुनिए टू टैन इनवर्स एक्स है ना, अरे टू टैन इनवर्स एक्स है ना, है तो टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर दो, और टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा दो बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने है e के पावर में x के पावर में तीन, यहां दो को फंक्शन है, एगो e है एगो e है नहीं, हाँ तो e के पावर x का तो ज्यों का त्यों ना, अब पावर वाला का तो क्या होगा, पावर से गुना फंक्शन ज्यों का त्यों, पावर से एक कम, चेक कर लीजिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर ई के पावर एक्स थ्री, ठीक है, देख लीजिए एक बार, जल्दी से एक बार देख लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, तब तक इसको मिटाते हैं, आप लोग बनाइए, ठीक ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मार देंगे धर धर आके, आसान क्वेश्चन है सब, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, आप लोग तो एकदम बुखार उतार जाएगा, सब 2021 में पूछल क्वेश्चन है, अभी जितना क्वेश्चन अभी बता रहे हैं ना आपको, सब 2021 के पूछल क्वेश्चन है, ठीक ना, इसलिए एकदम हुमच का देखिए क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन इसने टाइप के क्वेश्चन रहेगा, इसने टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, आप जाइएगा एकदम बोर्ड एग्जाम में धा के बुखार उतार दीजिएगा क्वेश्चन के। चलिए, नहीं दहेज में मांगी ले फॉर्चूनर, अच्छा भोला बाबा को कहता है कि सुनिए हम दहेज में फॉर्चूनर नहीं मांगते हैं, है क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए, सब होके सुनर मेहरारू चाहिए, सुनर सुनर मेहरारू चाहिए, तो उसके लिए अच्छा पढ़ेगा, सुंदर पढ़ाई लिखाई करेगा, तब ना सुनर मेहनारू मिलेगा, है मान ला के पढ़ो ना, अच्छा से यदि नौकरी उकरी ले लेगा ना, तो अपने आप सुंदर मेहनारू मिल जाएगा। भोलावा से माइक की जोड़ी, भोलावा तेरा कहाँ से दे तू, है बात बुझबे नहीं करता है, तो सब भोलावा से मांगने जाता है। चल देखो इधर, लॉग लॉग तीन के पावर में एक्स, सुनिए लॉग वाला का तो होता है एक बटा ज्यों का त्यों, जो कोणांक में होगा, अब ए के पावर एक्स का क्या होता है, तो ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ई से ई गया कॉट, तो लॉग थ्री आंसर, नहीं ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है लॉग थ्री आंसर, दिक्कत है ना, मारो धाए धाए। अगला है कि वन बटा एक्स प्लस ई के पावर एक्स, देखिए सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, तो एक बटा एक्स माने कॉस एक एक्स, एक बटा एक्स माने क्या, तो कॉस एक नहीं, अरे एक बटा एक्स मतलब क्या, तो कॉस एक, तो कॉस एक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक एक्स इंटू में कॉट एक्स, अब प्लस एगो कथी है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स से होता है नहीं होता है, देखो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है देख लीजिए एक बार जल्दी से, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, किसी को दिक्कत है ना, है हाँ। आइए अगला सवाल, बहुत मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन कहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन, सॉरी ये इसका वैल्यू होता है नहीं, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सभे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो के बराबर, ऑप्शन नंबर सी, इसका डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल कहता है कि डी साइन इनवर्स रूट एक्स अ प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो साइन इनवर्स रूट एक्स, देखिए ना साइन इनवर्स रूट एक्स अपलस आ कॉस इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स में है कॉस इनवर्स में है, आई दोनों के मान समान है नहीं, हाँ ये दोनों के मान समान है, तो इसका मान तो 90 डिग्री होगा पाई बाई टू के बराबर के नहीं, पाई बाई टू के बराबर होगा, और जब पाई बाई टू के बराबर होगा तो कॉन्स्टेंट है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा एक बार ठीक से, ठीक है किसी को दिक्कत नहीं ना।
जल्दी से देख लीजिए एक बार, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं है। अगला सवाल जो आपको देख रखा है, कहता है कि लिमिट कॉस 3x, x टेंस टू a, लिमिट कॉस 3x, x टेंस टू a, जैसे ही देखिए, जैसे ही x को a के जगह पर टेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। अरे cos x का वैल्यू तब तक ठीक है जैसे ही x के जगह पर a को टेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एगो कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो के बराबर। तो बनाएगा इस क्वेश्चन को है, ये तो इसी ही तरह उलझाने के लिए कुछ कुछ लिख देता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर। चलिए अगले सवाल को देखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन ए है। अच्छा, रूट वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक बट्टा में रूट अंडर ज्यों का त्यों, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। इसके बाद अब इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, अब प्लस ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो a के बराबर, यानी हो जाएगा 2x प्लस a बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर b में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर b में आपको दिख रहा है, सब लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर b में आपको दिख रहा है, किसी को दिक्कत है ना। चलिए अगले सवाल को देखिए, 2 इंटू ई के पावर 2x, 2 इंटू ई के पावर में 2x, ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है, ई के पावर 2x का, तो ई के पावर 2x होगा, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है ओकरा से गुना भी करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 इंटू ई के पावर 2x, देखिए 4 इंटू ई के पावर 2x, ठीक है, 4 इंटू ई के पावर 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपका है लॉग x के पावर में n, आपको बोले थे कि लॉग x के पावर में यदि कुछ आ जाए, लॉग x के पावर में यदि कुछ आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, पावर वाला को ऊपर में, यहां लॉग के कुनांक में जो रहेगा उसको नीचा में, देखो बाबू एन है या एक्स है, ऊपर में एन है या नीचे में एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन बटा में एक्स। इसका कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि जब लॉग एक्स के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए या एन आ जाए, तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जो पावर में है उसको ऊपर में और जो लॉग के कुनांक में है उसको नीचा में, हो गया डिफरेंशिएशन, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन बटा में एक्स के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है बाबू। चलिए आइए अगले सवाल को देखिए, सवाल आपके सामने में है, एक बार देखिए जल्दी से, बनाने का प्रयास कीजिए, दिल से बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है, दिमाग लगाइए क्वेश्चन बनाने में, मजा आएगा तब, ठीक है। हाँ, जो अभी मजा ले रहा है समझो कि अभी का एस आपको बाद में निकालेगा गैस, ठीक है। यदि आपको अभी पसीना निकल रहा है ठंडी के मौसम में, यदि आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, अपने शरीर का पसीना बहा रहे हैं सफलता पाने के लिए, तो समझिए कि बाद में बहुत ऐस है, बहुत ऐस, ठीक है। चल देख, अगला सवाल है लॉग रूट एक्स, लॉग रूट एक्स, टोटल कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल क्या है, लॉग रूट एक्स, अच्छा अच्छा रूट एक्स का मतलब क्या होगा, तो पावर में एक बटा दो, आपको क्या बोले हैं कि लॉग एक्स के पावर में यदि कांस्टेंट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन होगा पावर वाला को ऊपर में और जो कोणांक में है उसको नीचा में, यानी एक दो तीन बटा, नीचे वाला ये इसके बटा में कुछ नहीं तो एक है, तो कितना हो जाएगा एक बट्टा दो गुने एक बट्टा एक्स, यानी इसका हो जाएगा वन बट्टा में टू एक्स। चेक करो ऑप्शन नंबर सी को देखो, ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। सवाल कहता है कि डी 5 के पावर में x, 5 के पावर में x कहने का क्या मतलब, कि a के पावर में x, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x ज्यों का त्यों और लॉग e के पावर में a या फिर लॉग a, तो 5 के पावर x इंटू लॉग 5, 5 के पावर x इंटू लॉग 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, आप अपने पैनी निगाहों से उसे देख सकते हैं,
ठीक है, हाँ, कातिलाना अंदाज में उसको आप घायल कर सकते हैं। सवाल है कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अरे साइन का क्या होगा तो कॉस, कोणांक में जो है ज्यों करते हो, और 2x का क्या होगा तो 2 होगा, नहीं यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 into cos 2x। चेक करो ऑप्शन नंबर डी, 2 into cos 2x, किसी को दिक्कत, 2 into cos 2x। अगला सवाल मजेदार सवाल है, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, tan k क्या है, ka kx, पता है tan kx, अच्छा कोई बात नहीं, इसका डिफरेंशिएशन कहता है ना, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, कोणांक में जो है उसको ज्यों कहते हो ना, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है ओकरा से गुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा k into sec स्क्वायर kx। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है k into sec स्क्वायर kx। उसका अगला सवाल है आपका e के पावर x माइनस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए e के पावर वाला तो ज्यों कहते हो x माइनस a, नहीं अब पावर में क्या है तो x माइनस a, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा एक, a का डिफरेंशिएशन जीरो, यानी इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x माइनस a, ठीक है, इसका हो जाएगा e के पावर x माइनस a, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। आइए अगले सवाल को देखते हैं, tan x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो sec स्क्वायर जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो 2x, चेक कर लीजिए, यानी इसका हो जाएगा 2x into sec स्क्वायर x स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है 2x into sec स्क्वायर x स्क्वायर। चलिए अब अगला सवाल है आपका रूट अंडर कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए कॉट रूट अंडर है ना, तो एक बट्टा में दू रूट अंडर ज्यों का त्यों, क्योंकि रूट वाला का डिफरेंशिएशन तो यही होता है एक बट्टा में दू और रूट अंडर ज्यों का त्यों। उसके बाद कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, तो कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, चेक करो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टू एक्स, दो बार कोई जो डिफरेंशिएशन करेगा कोई बात नहीं, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में ज्यों कहते हो लेकिन एक्स के साथ जो कांस्टेंट है उतना से गुना करना पड़ेगा, तो एक बार हो गया डिफरेंशिएशन, कहते एक बार और करो डिफरेंशिएशन, चलो दो को बाहर रखो, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, कोणांक में जो है उसको ज्यों कहते हो लेकिन एक्स के साथ जो कांस्टेंट है उससे गुना करना पड़ेगा, तो दो पहले था दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा चार, यानी -4 sin 2x, कितना हो जाएगा -4 sin 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। और जो सबसे अंतिम वाला सवाल है इसको कहता है 3 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए, कर दीजिए 3 बार डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर 4 है, क्या बार डिफरेंशिएशन करना है इसका 3 बार, चलिए पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे पावर से गुना करेंगे पावर में से कम कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएशन दूसरी बार में, फिर पावर से गुना करेंगे पावर में से कम कर देंगे, फिर तीसरी बार में, तो 12 × 24 into x, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करने पर ये आंसर है 24x के बराबर, ठीक है बाबू। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन बैंक था, ठीक है, जो 2009 से लेकर 2021 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, खासकर डिफरेंशिएशन का, उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों ने देख लिया भली भांति, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। और यदि आप देख लिए हैं तो फिर आपको करना क्या है कि यदि बेहतर लगा है, अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हाँ हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।